प्लीज सब्सक्राइब हिंदुस्तानी जायका और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिंदुस्तानी जायका। और आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला मैगी। बहुत टेस्टी लगती है और इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी, ट्राई जरूर कीजिएगा। तो मसाला मैगी बनाने के लिए हमने ये दो मैगी ली हैं। ये टेस्ट मेकर हैं मैगी के। एक प्याज ली हमने मीडियम, एक टमाटर मीडियम, हाफ कप हमने शिमला मिर्च ली है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। हाफ कप हमने कॉर्न लिए हैं, ये फ्रोजन कॉर्न है। हाफ कप हमने मटर ली है, ये भी फ्रोजन है। मसालों में हमने लिया है 1/4 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और नमक भी 1/4 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून हमने सोया सॉस लिया है, आप इसकी जगह नींबू चाहें तो एक नींबू भी डाल सकते हैं इसमें, एक चम्मच। 2 टेबलस्पून ऑयल और 1.5 ग्लास हम पानी का ले लेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं मैगी मसाला। तो हमने अब इसको कढ़ाई को गैस पे रख दिया था, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, ऑयल डाल देंगे इसमें। 2 चम्मच ऑयल लिया हमने, 2 टेबलस्पून। अभी ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम, अब तेल गर्म हो चुका है इसमें हम सांप डाल देंगे। प्याज को सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ी सी बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। ये 1 मिनट हो चुका है प्याज को, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इनको टमाटर हल्के से गल जाए तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमने टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, 1 मिनट हो चुका है, थोड़े गल गए हैं टमाटर। अब इसमें हम जो बाकी हमारी सब्जियां हैं सब ऐड कर देंगे। ये शिमला मिर्च डाल देंगे इसमें, और ये मटर, मटर हमने फ्रोजन मटर लिए हैं। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा देर तक गला लेना, और ये जो फ्रोजन मटर होती है जल्दी गल जाती है तो आप इसको थोड़ी देर ही गलाएं। अब हम इसमें कॉर्न डाल देंगे, और इसको फिर आगे फ्राई कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, कहीं गल ना जाए मतलब हमारी सब्जियाँ। तो अब ये सब्जियाँ थोड़ी सी गल चुकी हैं, 2 मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम अपने सारे जो हमारे मसाले थे वो ऐड कर देंगे, नमक मिर्च जीरा पाउडर हल्दी और धनिया, इन सबको ऐड करके हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। मसाले ऐड कर दिए थे हमने इसमें, अब हम ये टेस्ट मेकर ऐड कर देंगे। मसालों में नमक आप थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि टेस्ट मेकर में भी नमक होता है तो नमक तेज हो जाएगा वरना, तो नमक थोड़ा कम डालें आप अपने पास से। ये हमने दोनों पैकेट टेस्ट मेकर डाल दिए इसके अंदर। हमने इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल दिया था, ये मसाले वरना जल जाते, तो 1 टेबल स्पून पानी डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 1 मिनट तक बस। अब इसमें हम ये सोया सॉस भी ऐड कर देंगे, इसको भून लेंगे थोड़ी देर, क्योंकि सब्जियां हमारी सारी भून चुकी हैं अच्छी तरह से। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, पानी हमने 1 ग्लास डाला है अभी, अभी 1/2 ग्लास और डालेंगे इसमें पानी। ये 1/2 ग्लास और डाल दिया पानी, हम इसकी फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको थोड़ा सा पानी को उबलने देंगे, थोड़ा बॉयल हो जाएगा, एक उबाल आ जाएगा इसमें, फिर इसमें हम मैगी इसको थोड़ा बॉयल होने देंगे। तो इतने हमने इसको बंद कर दिया है, इसमें बॉयल आ जाएगा फिर इसमें मैगी ऐड कर देंगे। ये मैगी में उबाल आ चुका है, अब इसको थोड़ा चला लेंगे हम। और इसमें हमने ये मैगी के छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, आप चाहें तो साबुत वैसे भी डाल सकते हैं, हमने थोड़ा पीस कर लिया है इसमें। ये ऐड कर देंगे मैगी और इसको चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, जब तक ये मैगी थोड़ी सी गल ना जाए, हल्की सी टेंडर ना हो जाए, तो उसको थोड़ा चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे।
ये एक मिनट तक हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी गल, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है मैगी, तो उसको एक मिनट तक हमने ऐसे ही चलाते रहे थे इसको। अब इसकी फ्लेम को लो कर दें और ढक के रख देंगे और उसको गलने तक पकने देंगे। अब हम इसको ढक के रख देते हैं और इसको लो फ्लेम पे, फ्लेम को लो कर दिया हमने और इसको पकने देंगे जब तक मैगी हमारी गल जाए अच्छी तरह से। इसको लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे पकने में। ये बीच बीच में हमने खोल के देखा था इसको, तो अभी ये अच्छी तरह से पकी नहीं है, तो थोड़ी देर इसको और रखेंगे। और अगर आपके पास सारी सब्ज़ियाँ अवेलेबल नहीं है, जैसे कॉर्न अवेलेबल नहीं है या फिर मटन नहीं है, तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। जो भी आपके पास सब्ज़ी अवेलेबल है उससे बना लें इसको, वही टेस्ट आएगा। क्योंकि मैगी हमारी रेडी है, अब इसको हम सर्व करेंगे। हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। और ये हमारी मैगी तैयार है। अब इसमें हम 1 स्पून बटर डाल देंगे, बटर से और अच्छा टेस्ट आ जाएगा, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो ये मैगी हमारी रेडी है। आफिया दारीन अब्दुल्ला, अच्छी टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है मैगी, मसाला मैगी। बहुत टेस्टी बनी है। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो एंड क्लिक द बेल, क्लिक द बेल आइकन। बहुत ही टेस्टी मैगी। We'll see you in next.